सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर ट्वेल्व डिस्कस कर रहे हैं बच्चों क्लास सिक्स की वर्कशीट है सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स पांच नवंबर दो हजार बीस की वर्कशीट है नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे ठीक है और नेम ऑफ क्लास टीचर लिख लेंगे टॉपिक है सब्सट्रिक्शन ऑफ इंटीगर्स पूर्णांकों का घटाव इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम एज वी नो सब्सट्रैक्शन मीन टेक अवे घटाने का मतलब होता है हटाना ठीक है जैसे कि हम जानते हैं इन पॉजिटिव इंटीगर्स वी हैव टू सब्सट्रैक्ट इन द सेम वे एज वी डू विद द होल नंबर्स पॉजिटिव इंटीगर्स की अगर हम बात करें धनात्मक पूर्णांकों की तो उसमें हमें ऐसे ही घटाना होता है जैसे कि हम पूर्ण संख्याओं में घटाते हैं बट इन सम केसेज वेयर टेक अवे इज नॉट पॉसिबल लेकिन कुछ केसेस में जहाँ हटाना संभव नहीं होता वी यूज एडिटिव एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट इंटीगर्स इट तो हम वहाँ पर उस पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम जो होता है उसको प्रयोग करते हैं एडिटिव इनवर्स मीन्स द पेयर ऑफ इंटीगर्स वी एडिट द रिजल्ट वी गेट इज जीरो योजे प्रतिलोम का मतलब होता है कि पूर्णांकों का ऐसा जोड़ा बनाना कि उसमें हम ऐसा जोड़ते हैं जिससे कि उसका रिजल्ट परिणाम जो होता है जीरो आ जाता है जैसे एग्जाम्पल देखेंगे माइनस सिक्स प्लस प्लस सिक्स तो जब माइनस का सिक्स हो गया और ये प्लस 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 ही होते हैं तो ये क्या हो गया जीरो हो गया ऐसे ही यहाँ पर प्लस सेवन था प्लस में माइनस सेवन एड करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो ये कट हो जाएंगे इक्वल टू जीरो आ जाएगा नाउ एल्व वॉट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस नाइन हमसे पूछा है अब आप ये बताइए कि माइनस नाइन का योजना प्रतिलोम क्या होगा तो हम यहाँ पर लिख देंगे आंसर प्लस नाइन ओके स्टूडेंट्स सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीगर्स यूजिंग नंबर लाइन आपको घटाना है इन पूर्णांकों को नंबर लाइन का प्रयोग करते हुए ये नंबर लाइन है ठीक है अब नंबर लाइन में आप सभी जानते हैं कि एक पॉइंट होता है जीरो और उसके राइट हैंड साइड पर ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव और उसके लेफ्ट हैंड साइड पर माइनस में नंबर होते हैं माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एट्सट्रा केस वन देखेंगे सब्सट्रक्शन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीगर्स दो धनात्मक पूर्णांकों को घटाना कैसे घटाते हैं देखिए प्लस फोर माइनस प्लस फाइव अब देखिए प्लस फोर अब यहाँ पर माइनस प्लस दो चिन्ह हैं तो हमें इन्हें मल्टीप्लाई करनी होगी ठीक है बच्चों मल्टीप्लाई करके माइनस प्लस को जो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो माइनस हो जाता है इसलिए प्लस का फोर माइनस का फाइव जो हम इसे घटाएंगे तो माइनस का वन बचेगा इसे नंबर लाइन पर भी करके देख लेते हैं यहाँ देखिए पहले है प्लस फोर तो ज़ीरो से हम प्लस फोर की तरफ गए फिर है माइनस फाइव फिर हम फोर से माइनस फाइव की तरफ आ गए ठीक है तो यहाँ पर कहाँ गए है? हम माइनस वन पर तो आंसर है माइनस वन नॉट साइन प्लस एन प्लस बिकम माइनस तो जब प्लस प्लस के साइन मिलते हैं तो वो माइनस हो जाते हैं ठीक है अब देखिए केस टू में सबस्ट्रक्शन ऑफ द टू पॉजिटिव इंटीगर्स आपको दो धनात्मक संख्याओं को सॉरी पूर्णांकों को घटाना है एग्जाम्पल दिया हुआ है प्लस फाइव माइनस प्लस फोर तो देखिए प्लस फाइव और माइनस प्लस माइनस हो गए तो ये माइनस का फोर हो गया तो प्लस का वन बचा कैसे बचा नंबर लाइन पर देखते हैं ज़ीरो से हमने स्टार्ट किया प्लस फाइव है पहले तो हम प्लस फाइव की तरफ गए फिर क्या है माइनस फोर है तो माइनस फोर की तरफ आए मतलब हमने फाइव में से फोर माइनस कर दिए तो हम यहाँ प्लस वन पर आ गए ठीक है ज़ीरो के बाद ये प्लस वन है ना हम यहाँ पर आ गए तो नोट क्या है कि साइन माइनस एंड प्लस बिकम माइनस जो चिन्ह होते हैं माइनस और प्लस के वो माइनस हो जाते हैं केस थ्री में देखिए सबस्ट्रक्शन ऑफ टू इन नेगेटिव इंटीगर दो नकारात्मक पूर्णांकों का घटाव कैसे होता है देखिए प्लस फाइव माइनस माइनस फोर माइनस माइनस हो गए प्लस तो माइनस का फाइव प्लस का फोर इक्वल टू माइनस का वन आया कैसा आया अब देखिए यहाँ पर हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया पहले क्या माइनस फाइव और माइनस फाइव पर गए फिर क्या है प्लस फोर तो प्लस की साइड गए हम ठीक है इधर गए तो फिर हम कहाँ पर आ गए माइनस वन पर आ गए नोट क्या है साइन माइनस एंड माइनस बिकम प्लस माइनस और माइनस के साइन प्लस हो जाते हैं केस फोर क्या है सब्सट्रक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीगर्स यहाँ पर प्लस फोर है माइनस माइनस का फाइव है तो माइनस माइनस प्लस हो गए क्योंकि साइन माइनस और माइनस बिकम प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं तो फोर प्लस फाइव ठीक है नाइन हो गया अब यहाँ ज़ीरो से नंबर लाइन से स्टार्ट करेंगे प्लस फोर फिर उसके बाद प्लस फाइव पर जाएंगे, तो ये कहाँ पर आ गए हम नाइन पर आ गए ठीक है तो आंसर हो गया नाइन ऐसे ही आपको करना है लेट्स डू आओ करते हैं क्वेश्चन वन है सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग नंबर लाइन नंबर लाइन का यूज करते हुए इन्हें सॉल्व करना है ये आपको एट क्वेश्चन दिए हुए इन्हें सॉल्व करते हैं बच्चों हम वन बाय वन ए देखिए ऐसे ही आपको नोटबुक में करना है प्लस एट ठीक है यहाँ प्लस एट आ गया ये माइनस प्लस माइनस हो गया और ये सिक्स यहाँ आ गया तो एट माइनस सिक्स करेंगे तो ये टू आया ये कौन सा है प्लस का टू है क्योंकि ये ए प्लस का एट था ठीक है अब नंबर लाइन पर कैसे करेंगे जीरो से पहले प्लस एट है तो हम प्लस एट की तरफ गए एट पर आ गए अब क्या है माइनस सिक्स तो यहाँ से बैक जाएंगे, ठीक है माइनस सिक्स की तरफ आप ये समझ लीजिए आपको आठ कदम आगे चलना है और फिर आपको छः कदम पीछे चले जाना है माइनस की बात हो रही है तो हम कहाँ पर आ गए टू पर ये कहाँ पर पहुँचे हम फिर प्लस के टू पर पहुँच गए ठीक है तो आंसर टू है अब बी देखिए बी में प्लस थ्री माइनस प्लस फाइव तो माइनस प्लस कौन क्या हो गए माइनस हो गए ठीक है तो प्लस थ्री माइनस फाइव तो ये क्या बचे माइनस के टू अब नंबर लाइन पर करेंगे ज़ीरो से स्टार्ट किया थ्री पर आ गए प्लस थ्री है तो फिर उसके बाद माइनस फाइव है तो बैक जाएंगे फिर इधर की तरफ तो माइनस टू पर आ गए तो आंसर माइनस टू ही है आपका ऐसे नंबर लाइन पर शो कर देंगे सी में देखिए आप माइनस सेवन माइनस माइनस फाइव अब माइनस माइनस क्या हो गए प्लस हो गए देखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है ठीक है प्लस 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 ही रहता है माइनस प्लस माइनस हो जाता है और प्लस माइनस माइनस हो जाता है ये ध्यान रखेंगे आप सभी ठीक है बच्चों अब आगे देखिए नंबर लाइन पर करेंगे पहले ज़ीरो से माइनस सेवन पर जाएंगे ठीक है ज़ीरो से माइनस सेवन पर जाएंगे क्योंकि माइनस सेवन पहले है। फिर माइनस सेवन के बाद क्या है प्लस फाइव है तो प्लस फाइव के लिए इधर जाएंगे ठीक है प्लस फाइव के लिए इस तरफ जाएंगे ये प्लस की साइड है तो कहाँ पर आ गए माइनस टू तो माइनस टू आंसर है अब आगे देख लेते हैं आगे है माइनस थ्री माइनस माइनस टेन तो माइनस माइनस क्या हो गए प्लस हो गए ठीक है माइनस थ्री प्लस टेन हो गए इक्वल टू कितना आ गया बच्चों सेवन आ गया अब नंबर लाइन पर करेंगे ज़ीरो से हम कहाँ गए पहले हम प्लस थ्री पर माइनस थ्री है तो माइनस थ्री पर जाएंगे फिर प्लस टेन है तो प्लस टेन की तरफ जाएंगे मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन आगे पहुँच गए तो कहाँ आ गए सेवन तो आंसर क्या हो गया सेवन ठीक है अब ई देखते हैं माइनस थ्री प्लस का सिक्स है और इसे माइनस करना है हमें तो माइनस थ्री और प्लस माइनस माइनस हो गए तो ये माइनस सिक्स हो गया अब ये देखिए दोनों माइनस में तो ये जुड़ जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तीन और छः नौ हो गए कौन से है ये? हैं ये माइनस के नौ हैं जुड़ जाएंगे लेकिन निशान माइनस का ही रहेगा ठीक है अब देखिए आगे इसे नंबर लाइन पे दिखाना है जीरो से पहले माइनस थ्री फिर माइनस सिक्स तो माइनस नाइन पर आ गए ठीक है अब नेक्स्ट देखिए माइनस सेवन प्लस का फोर को हम यहाँ माइस माइनस करना है तो माइनस प्लस क्या हो गए माइनस हो गए अब ऐसे ही ये दोनों जुड़ जाएंगे और चिन्ह जो रहेगा वो माइनस का रहेगा सात और चारा ग्यारह तो आप जीरो नंबर लाइन पर पहले माइनस सेवन पर गए फिर माइनस फोर पर तो कहाँ गए माइनस ग्यारह पर यही आंसर है नेक्स्ट देखिए बच्चों प्लस फाइव माइनस करना है माइनस का फाइव तो माइनस माइनस यहाँ फिर प्लस हो गए ठीक है नाइन प्लस फाइव हो गए और ये प्लस का फोर्टीन हो गया तो यहाँ पर क्या करना है ज़ीरो से आप नाइन पर जाएंगे फिर उसके बाद नाइन से आगे बढ़ेंगे फाइव पर जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका फोर्टीन ठीक है ये देखिए ये फोर्टीन आ जाएगा अब नेक्स्ट देखिए प्लस सेवन है माइनस करना है माइनस का एट इसमें से तो ये बराबर का निशान है ये प्लस का ही सेवन है ठीक है यहाँ कंफ्यूज मत होना ये माइनस माइनस प्लस हो गए हैं प्लस एट तो ये सेवन और प्लस एट कितने हो गए फिफ्टीन अभी इसे नंबर लाइन पर कैसे दिखाएंगे जीरो से स्टार्ट करेंगे पहले प्लस सेवन पर आए फिर सेवन के बाद प्लस एट फिर प्लस एट मतलब आठ आगे बढ़े तो यहाँ पंद्रह पर आ गए तो आंसर है फिफ्टीन ओके स्टूडेंट्स तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई ऐसे ही आपको ये नोटबुक में करना है अपनी वर्कशीट ठीक है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग